तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। इंदौर के महू में अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार बगावत पर आ गए हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरबार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कुछ दिनों से चर्चा थी कि दरबार 2 तारीख को अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लेंगे, लेकिन दरबार ने अपना नामांकन फॉर्म वापस नहीं लिया। यानी कि अब तय हो गया है कि वे महू विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने महू से इस बार रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। मेरे लिए इतनी उम्र में जीवन का सबसे दुखद दिन है कि जिस पार्टी के लिए हमने छोटे छोटे थे विरासत में मिले थे, पिताजी कांग्रेस में थे, हम साइकिल से हो या पैदल हो झंडे लेके दौड़ा करते थे प्रकाश चंद्र सैनी जी के चुनाव, जाल साहब के चुनाव में, तब से पार्टी में है और उसके बाद संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 2 बार चुनाव जीता भी हूँ और उसके बाद 3 बार चुनाव मेरा लूज भी हुआ, उसके बावजूद भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, घर को बर्बाद करके। तो कहावत है ना कि घर जला के तीरथ करते, मैंने ऐसा काम किया। राहुल जी की 2-2 सभा मैंने अपने व्यक्तिगत एफर्ट से की है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इससे मेरे सीचा है पार्टी को, चाहे कार्यकर्ताओं को लिए मैं खाना घेरना पड़ा हो या कुछ भी करना पड़ा हो, तो मैंने किया है और ऐसे में मेरा टिकट काट के ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो पार्टी में 3 दिन हुए आए थे और जो 3 दिन सत्ता जाने के 3 दिन बाद चला गया, 20 साल। ये कितनी दुखद घटना है, हर कार्यकर्ता स्तब्ध है, हर कार्यकर्ता इस प्रश्न का उत्तर हाईकमान से मांग रहा है। खूब इंतजार किया है, खूब फैक्स किए हैं, परंतु उनके कान में जू नहीं रहेगी। मजबूरी में मुझे प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मुझे 3 बजे सिंबल मिल जाएगा। यह मेरा नैतिक दायित्व तो है कि मैं प्राथमिक सदस्यता से पहले इस्तीफा दूं, फिर मैं सिंबल को ग्रहण करूं। बता दें कि गुरुवार को नामांकन लेने का आखिरी दिन था। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपने बाकी नाराज नेताओं को सुबह से ही मनाने में लगी हुई थी। कुछ ने नामांकन वापस लिया तो कुछ ने नहीं। अब भी बागी मैदान में डटे हुए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इनमें भाजपा के 5, कांग्रेस के 6 बागी शामिल हैं। अब देखना होगा निर्दलीय चुनाव लड़कर ये बागी कांग्रेस बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। महू से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।